हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। सैमसंग के एंट्री लेवल फोन्स जैसे कि A14 के लिए भी एंड्रॉइड 14 1UI 6.0 ऑफिशियल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस अपडेट में क्या नए फीचर्स आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 में और क्या परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एंड्रॉइड 14 का एनिमेशन कैसा है। तो एंड्रॉइड 14 के लोगो पर क्लिक करके रखने पर फोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, ये स्टार्स थोड़े फास्ट होने लगते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा रॉकेट जैसा एनिमेशन आता है जिसे आप ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये अपडेट नवंबर 2023 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। अपडेट के साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ थी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 GB। तो मेक श्योर आप किसी स्ट्रॉन्ग और फास्ट वाईफाई पर कनेक्टेड है अपने फ़ोन को अपडेट करने के लिए। सबसे पहले चेंज की बात करेंगे तो वो है कंट्रोल सेंटर में। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑन फंक्शंस के लिए वाइट कलर है जबकि पहले ब्लू था, और टोटल कंट्रोल सेंटर का लुक चेंज किया गया है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। टॉप में है ब्लूटूथ और वाईफाई के शॉर्टकट बटन्स, नीचे है डिवाइस कंट्रोल के लिए एक डेडिकेटेड बॉक्स, उसके बाद ऊपर ब्राइटनेस स्लाइडर, आई कंफर्ट और डार्क मोड जैसे विजिबिलिटी फीचर्स को एक ही जगह कंबाइन किया गया है जो काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद ऊपर सेंटर बॉक्स में है आपके बाकी के यूजुअल आइकॉन्स। तो कंट्रोल सेंटर का ये न्यू लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद ऊपर एडिट बटन में जाएंगे तो कंट्रोल सेंटर में सिर्फ टॉप व्यू या फिर फुल एक्सपेंडेड व्यू के आइकॉन्स चेंज करने का ऑप्शन है। उसके बाद क्विक सेटिंग्स इंस्टेंट एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है, जैसे अभी मैं ऊपर से कहीं से भी कंट्रोल सेंटर को ओपन कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट व्यू में ओपन होता है विद नोटिफिकेशंस, और फुल ओपन करने के लिए फिर से स्लाइड करना पड़ता है। बट क्विक सेटिंग्स इंस्टेंट एक्सेस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जब मैं टॉप राइट कॉर्नर से स्वाइप करूंगा तो पूरा कंट्रोल सेंटर एक ही स्वाइप में ओपन हो जाएगा। बाकी अगर आप स्क्रीन पर कहीं और स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर शॉर्ट व्यू में ही ओपन होगा विद नोटिफिकेशंस, सेम पहले की तरह। नोटिफिकेशंस के जो कार्ड है वो भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं, ये पहले से थोड़े कम क्लटर्ड लगते हैं। किस ऐप का नोटिफिकेशन है उसका आइकॉन उसी कलर में आएगा जैसे यूट्यूब का रेड और व्हाट्सएप का ग्रीन में, और इन्हें आप टाइम या प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल से रिलेटेड म्यूजिक प्लेयर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पैनल में म्यूजिक प्लेयर को एक्सपेंड करेंगे तो उस म्यूजिक का एल्बम आर्ट आता है जो काफ़ी अच्छा लुक देता है म्यूजिक प्लेयर को, और साथ में स्लाइडर पर इक्वलाइजर जैसा इफेक्ट भी दिया गया है जब म्यूजिक प्ले होता है। लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन में भी कुछ चेंजेस है, जैसे अब आप क्लॉक को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। बाकी आप क्लॉक को जितना चाहे रिसाइज भी कर सकते हैं। कुछ न्यू फॉन्ट्स भी ऐड किए गए हैं, पहले से 4-5 एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए गए हैं फॉन्ट्स के लिए, और नीचे जो क्लॉक स्टाइल्स है उसमें से 5th वाला ऑप्शन भी न्यू डिज़ाइन है वॉच का। पहले जब हमें होम स्क्रीन पर किसी भी आइकॉन को दूसरे पेज पर लेकर जाना होता था तब हम उसे ड्रैग करके स्क्रीन के कॉर्नर तक लेके जाते थे नेक्स्ट पेज पर डालने के लिए, बट अब आपको सिर्फ आइकॉन को प्रेस करके रखना है और अब आप दूसरे फिंगर से पेज स्वाइप करके आइकॉन को जो पेज पर चाहे मूव कर सकते हैं। तो ये मेथड काफ़ी कन्वीनियंट है पहले वाले से। एक न्यू कस्टम कैमरा का विजेट भी ऐड किया गया है, जैसे क्लिक करने पर कैमरा कौन से मोड में एक्टिवेट होना है वो आप सेट कर सकते हैं, और इस विजेट को क्लिक करने पर कैमरा वही मोड पर एक्टिवेट होगा। जैसा अगर मैं इस विजेट के सेटिंग में जाता हूँ तो मुझे जो मोड चाहिए जैसे फूड मोड, प्रो मोड, नाइट मोड, वीडियो, जो चाहे मैं वहाँ से एडिट कर सकता हूँ। साथ में मुझे विजेट पर कौन सा फोटो और क्या नाम चाहिए वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। पता नहीं ये फीचर कितना काम में आएगा, बट दिया है इसलिए बता दिया। इसके बाद वेदर वाले विजेट में भी एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, वो है वेदर इनसाइट का, जिसका विजेट कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें वेदर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब गैलरी ऐप में जाएंगे तो फोटो एडिटर का लुक चेंज किया गया है, जैसे क्रॉप और रोटेशन वाले फीचर के आइकॉन्स पहले से बड़े हैं। एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है जिसमें लैसो टूल, कलर मिक्स, स्पॉट कलर जैसे फीचर्स सब एक ही जगह पर है, जबकि ये सब फीचर्स पहले 3 डॉट्स के अंदर जाकर एक्सेस करना पड़ता था। अब किसी फोटो को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली नीचे ही आई बटन आ जाता है उसकी डिटेल्स देखने के लिए, या फिर आप पहले की तरह स्वाइप वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बट पहले डिटेल्स देखने के लिए कॉर्नर में 3 डॉट में जाकर आपको डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ता था। अब जब आप मल्टीपल फाइल्स गैलरी से सिलेक्ट करेंगे शेयर करने के लिए तब आप उसका प्रीव्यू भी शेयर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि भेजते टाइम आपसे कोई इमेज मिस ना हो जाए। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि एंड्रॉइड 13 में जब मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करते थे तभी सिर्फ कितने फाइल्स सिलेक्ट हुए हैं वही बताता था, कोई प्रीव्यू नहीं मिलता था। अब गैलरी और माई फाइल्स ऐप का रिसाइकल बिन कंबाइन किया गया है, जैसे अगर मैं गैलरी से किसी भी फोटो को डिलीट करता हूँ तो वो जाएगा गैलरी के रिसाइकल बिन में। और अब मैं ओपन करता हूँ माई फाइल्स ऐप, उसमें जाता हूँ इमेजेस के सेक्शन में और यहाँ से मैं किसी इमेज को डिलीट करता हूँ, तो अगर अब मैं जाऊँगा गैलरी के रिसाइकल बिन में तो गैलरी और माई फाइल्स दोनों ऐप्स के डिलीटेड इमेजेस मुझे यहाँ पर एक साथ दिखेंगे, जबकि पहले दोनों को इंडिविजुअली जाकर डिलीट करना पड़ता था उनके ऐप से। इसी तरीके से अगर मैं माई फाइल्स ऐप के रिसाइकल बिन में जाऊँगा तो गैलरी से डिलीटेड फोटो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब रिसाइकल बिन दोनों का कॉमन है। ऐप ड्रॉअर में जो फाइंडर है उसमें जो ऐप सर्च में रहते हैं उन्हें लॉन्ग प्रेस करके आप क्विक एक्शंस देख सकते हैं उस ऐप के, ये सभी सपोर्टेड ऐप्स पर वर्क करता है। इसके बाद सैमसंग कीबोर्ड में जो इमोजेस है उनका लुक थोड़ा चेंज किया गया है, ये पहले से ज़्यादा बेटर और कलरफुल है तो एक काफ़ी फ्रेश लुक मिलता है। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा वो है सैमसंग के इनबिल्ट ब्राउजर में, वो ये है कि आप वीडियो को प्ले करके अगर होम स्क्रीन पर चले जाते हैं तो भी म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले रहता है, जबकि पहले म्यूजिक पॉज हो जाता था।
और इस फीचर के लिए हमें बिना वजह YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता था, बट Android 14 के साथ ये फीचर बिल्ट इन मिलता है। इसके लिए आपको Samsung इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स पर जाना है, उसमें यूजफुल फीचर्स का ऑप्शन है, उसमें बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन दिया गया है, उसे ऑन कर लेना है। बस उसके बाद आप बिना YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के भी YouTube पर बैकग्राउंड प्लेबैक का मजा ले सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो जो सेटिंग्स के आइकॉन्स है उनमें से कुछ का कलर थोड़ा चेंज किया गया है और जो फॉन्ट है वो भी पहले से थोड़ा डिफरेंट है। आपको ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट साइड बाय साइड 1UI 5 के साथ देखेंगे तो डिफरेंस पता चलता है। सेटिंग्स में बैटरी के लिए अब डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, जबकि पहले इसके लिए डिवाइस केयर में जाना पड़ता था, बट ये ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल है। बाकी ग्राफ का डिजाइन भी पहले से चेंज किया गया है जो थोड़ा बेटर दिखता है। डिवाइस एंड केयर में जो इमोजी है टॉप में अब पूरा ओपेक है, जबकि पहले सिर्फ आउटलाइन होती थी इसकी। बाकी बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैंने इसे एक दिन यूज़ किया है और मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई खास ड्रॉप नहीं दिखा। इनफैक्ट परफॉर्मेंस 1UI 5.1 से थोड़ी बेटर है, क्योंकि मैंने जब इसका रिव्यू किया था और जब मल्टीपल ऐप्स खोल रहा था तब ये थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, बट अभी मैं जितने भी ऐप्स खोल रहा हूँ टच करने में ऐसा कोई खास डिले नहीं मिल रहा। एनिमेशन भी पहले से स्मूथ है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग के, बट हाँ कभी कभार ऐप ओपनिंग एनिमेशन में फ्रेम ड्रॉप आ जाता है और फास्ट स्क्रॉलिंग के वक्त भी हल्का फ्रेम ड्रॉप दिखता है कभी कभार, जो पहले भी होता था। बैटरी बैकअप में मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं देगा, अगर कोई डिफरेंस दिखता है तो मैं पिन कमेंट ऐड कर दूंगा। अब कैमरे के अंदर भी कुछ चेंजेस है, जैसे टॉप के कुछ आइकॉन्स, जैसे फिल्टर्स का आइकॉन थोड़ा डिफरेंट है और फिल्टर्स के इंटेंसिटी एडजस्ट करने का स्लाइडर भी अब पहले से अच्छा है, पहले एक पतली सी लाइन होती थी। मोशन फोटो का आइकॉन भी पहले से डिफरेंट है। बेसिकली टॉप के मोस्टली सभी आइकॉन्स थोड़े डिफरेंट है, जैसे 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के बीच स्विच करने के लिए अब डायरेक्ट बटन है, एस्पेक्ट रेशियो में जाकर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वीडियो मोड में जाएंगे तो वीडियो रेजोल्यूशन और FPS के लिए अब डिफरेंट लाइन है और बड़ा सा बॉक्स ओपन होता है, जबकि पहले सब सिंगल लाइन में छोटे से ऑप्शंस होते थे। ये शॉट मैंने A54 का लिया है, इसलिए 4K का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि मेरे A14 का कैमरा पिछले 2-3 महीने से बंद है। बट यूजर इंटरफेस A14 का भी सेम है, बस 1080p का ही ऑप्शन मिलता है उसमें। तो ओवरऑल जो फीचर्स 1UI 6 एंड्रॉइड 14 में ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ फीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बैटरी बैकअप में कोई फर्क नहीं पड़ा, परफॉर्मेंस मार्जिनली इंप्रूव हुई है और एनिमेशन हल्के स्मूथ है। मुझे तो इसमें फिलहाल कोई बग्स नहीं मिले। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अपने फोन को एंड्रॉइड 14 पर अपडेट करेंगे, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।